हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने यूट्यूब में स्किप लेंथ को बढ़ा सकते हैं। स्किप लेंथ, जब भी हम कोई वीडियो को प्ले करते हैं तो हमें कोई भी वीडियो स्किप करना होता है तो वो केवल 10 सेकंड का ही स्किप होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्किप लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो स्किप लेंथ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल का आइकन देखने को मिल जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे सेटिंग पर जाना है। जैसे ही आप सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक जनरल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे डबल टैप टू सीक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आप यहां से जितने भी सेकंड का स्किप लेंथ को बढ़ाना चाहें आप यहां से वो स्किप लेंथ बढ़ा सकते हैं। आप यदि 50 सेकंड का करना चाहें तो 15 सेकंड का भी आप यहां से कर सकते हैं, 20 सेकंड का भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से 20 सेकंड का सेट कर देता हूं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा यहां पर 20 सेकंड का हो गया। चलिए हम यहां से कोई एक वीडियो प्ले करके अभी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कोई एक वीडियो प्ले कर लेते हैं। अभी हम इसको स्किप करते हैं तो डबल टैप करना होगा आपको राइट साइड में। जैसे आप डबल टैप करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 सेकंड का स्किप हो रहा है। तो इस तरह आप भी अपने यूट्यूब में यूट्यूब वीडियो की स्किप लेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।